राधे राधे मित्रों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है और शास्त्रों के अनुसार यदि माँ लक्ष्मी की आराधना शुक्रवार के दिन विधिवत की जाए तो वे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं, तो निश्चय ही अगर वे आप पर प्रसन्न होती हैं, उन परिस्थितियों में आपके जीवन में धन से संबंधित सभी संकट दूर हो जाएंगे, धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी आपको। शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो निश्चय ही माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी और आपका जीवन वैभवशाली बना देंगी। उनमें से कुछ उपाय हम आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है वे उपाय जो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनाते हैं। पहला उपाय है, शुक्रवार के दिन शाम को गाय के घी का दीपक घर के ईशान कोण में जलाएं। इस दीपक में थोड़ा सा केसर डालें और रुई के स्थान पर लाल रंग के सूती धागे का प्रयोग करें, यानी जो दीपक आपने जलाया है उसमें केसर डालें और रुई की जगह लाल रंग का सूती धागा लें। ऐसा करने से शीघ्र ही धन संपदा के आने के योग आपके जीवन में बनते हैं। दूसरा उपाय है, शुक्रवार के दिन एक पीला कपड़ा लेकर उसमें 5 पीले रंग की कौड़ी, थोड़ा सा केसर तथा सिक्के डालें। उसके बाद इन सबको बांध करके अपनी तिजोरी में या जहां कहीं भी आप अपनी धन संपत्ति रखते हैं वहां पर रख दें। इसके प्रभाव से कुछ दिनों में ही आपको परिणाम दिखने लगेगा और निश्चय ही धन से जुड़ी हुई सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तीसरा उपाय है, शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अभिषेक करें। शंख माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यदि आप दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो अभिषेक करने के बाद भगवान विष्णु का विधिवत पूजन अर्चन कीजिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर तुरंत बनेगी और आपके घर में दिन दोगुना रात चौगुना पैसा आना शुरू हो जाएगा। चौथा उपाय है, शुक्रवार के दिन गाय के दूध से श्री यंत्र का अभिषेक करें और जो भी अभिषेक का जल बचे उसे पूरे घर में फूल के माध्यम से छिड़क दें। पूजा करने के बाद श्री यंत्र को धन के स्थान पर रख दें, यानी अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति निश्चय ही मजबूत होगी। पांचवा उपाय है, शुक्रवार को 7 कुमारी लड़कियों को घर बुलाकर उन्हें भोजन करवाएं। भोजन में एक चीज का जरूर आप ध्यान रखिएगा कि केसर वाली खीर आपको जरूर खिलाना है कन्याओं को और उस खीर में शक्कर की जगह मिश्री डालें। भोजन कराने के पश्चात उन कन्याओं को दक्षिणा और वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। छठवां उपाय है, शुक्रवार के दिन गरीबों को सफेद रंग की वस्तु अथवा खाद्य पदार्थ का दान करें। इससे धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगती हैं। सातवां है, शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले किसी शुक्रवार के दिन पत्नी अपने हाथों से प्रेम पूर्वक साबूदाने की खीर बनाए, लेकिन ध्यान रखिएगा शक्कर मत डालिएगा, उसमें मिश्री डालनी है आपको। तो शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन साबूदाने की खीर बनाइए जिसमें मिश्री डाला हुआ हो। इस खीर को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें, इसके बाद पति पत्नी थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को खिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साथ ही साथ इसी दिन जिस दिन आपने खीर बनाई है उसी दिन किसी मंदिर में इत्र का दान करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनती है। तो ये है वे उपाय जो यदि आप शुक्रवार को करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि वैभव आता है। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।